Respected Director Sir, Principal Ma'am, all teachers and students, good morning. भगवान का निवास। नदी किनारे की पहाड़ियों के मध्य एक गांव था। उसी गांव में एक छोटा सा चर्च भी था। चर्च गांव वालों की सहायता से ही बना था। सभी गांव वाले नियमित रूप से चर्च में रोज जाया करते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि गांव बाढ़ की चपेट में आ गया। बाढ़ इतनी भयानक थी कि पूरा गाँव तहस नहस हो गया, लेकिन जाने क्या हुआ कि चर्च को कोई हानि नहीं पहुंची। बस यह तो चमत्कार हो गया, देखते ही देखते उस चर्च की पवित्रता के चर्चे चारों ओर फैल गए। उस चर्च को चारों ओर से लाखों डॉलर का अनुदान मिलने लगा। हजारों लोगों का वहां आना जाना शुरू हो गया। देखते ही देखते उस चर्च छोटे से चर्च ने एक शानदार चर्च का स्वरूप धारण कर लिया। अब पुराना चर्च तो गाँव वालों ने ही बनवाया था। दूसरी ओर प्रमुख पादरी के पद पर अब भी उनका वो ही पादरी था। स्वयं सब गांव वालों ने मिलकर उस पादरी से गांव फिर से बसाने हेतु सहायता मांगी, परंतु पादरी ने स्पष्ट कह दिया कि पैसा सिर्फ बोर्ड का है, उससे तुम्हारी सहायता नहीं की जा सकती। उधर बाहर से आने जाने वाले श्रद्धालुओं ने भी गांव वालों की कोई मदद नहीं की। वे तो सिर्फ चर्च में दान देकर लौट जाया करते थे। खैर, खुद की मेहनत और तीन चार एनजीओ की सहायता से गांव वालों ने किसी तरह गांव फिर से बसा लिया। लेकिन अभी इस बात को एक वर्ष ही बीता था कि कुदरत ने फिर कमाल दिखाया। अब की एक रात वहां भूकंप आया, परंतु अब की यह हुआ कि भूकंप में सिर्फ वह चर्च में नाबूद हो गया। गांव या गांव वालों पर भूकंप का कोई खास असर नहीं हुआ। यह तो वाकई बुरा हुआ। अब वह चर्च पवित्र रहने ही कहां गया, तो बाहर से श्रद्धालु आने बंद हो गए। इसके साथ ही चर्च को फिर से खड़ा करने हेतु किसी बाहरी मदद का कोई आसरा नहीं रहा। यह देख सके पादरी ने चर्च फिर से खड़ा करने हेतु अपने ही गांव वालों से सहायता मांगी, लेकिन अब चक्कर में कौन आने वाला था। सबने एक सुर में कह दिया कि अब हम जान गए कि गॉड मेहनत करने वालों की मदद करने वाले एनजीओ के दिलों में बसा हुआ है, चर्च में नहीं। तो हमें मदद करनी हो तो उन एनजीओ की करेंगे, चर्च की कतई नहीं। थैंक यू।